ने हालांकि स्टूडेंट आप सभी का एक बार अपना हार्दिक अभिनंदन टेक्निकल शुरुआत में आज हम आपके बीच में बायोलॉजी का एक टॉपिक लेके आए हैं। छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत या इम्पोर्टेंट थ्योरी ऑफ बायोलॉजी। जो भी हमारे साइंटिस्टों ने विज्ञान के अंदर जो बायोलॉजी के अंदर जो थ्योरियाँ दी हैं उन्हीं का अध्ययन करते हैं तो आज लेके चलते हैं इसी कड़ी में। पहला सिद्धांत है सेल थ्योरी। किसने दी सेल थ्योरी की अगर बात की जाए तो पहले बच्चों आप याद रखना सेल थ्योरी किसने दी। स्लाइडर एवं स्वान नामक एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? स्लाइडर तथा स्वान ने क्या दी थी आपकी सेल थ्योरी दी थी। स्लाइडर एवं स्वान ने मिलकर ही एक सेल सिद्धांत निकाला या सेल थ्योरी दी। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। बहुत पूछा जाता है डीएनए के डबल हेलिक्स की मॉडल की बात की जाए इसे हिंदी में डीएनए का द्विपुंडित मॉडल भी कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स जो मॉडल दिया था वॉटसन एवं क्रिक ने दिया था। किसने दिया था प्यारे बच्चे याद रखना वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था ठीक है ये। तीसरे की बात की जाए लॉकेट की थ्योरी किसने दी। ताला तथा चाबी का सिद्धांत किसने दिया तो ताला चाबी का सिद्धांत याद रखना एमिल फिशर ने। किसने दिया साथियों एमिल फिशर ने ही ताला चाबी का सिद्धांत दिया। एमिल फिशर ने क्या दिया आपके ताला चाबी का सिद्धांत दिया। ताला चाबी का सिद्धांत किसने दिया एमिल फिशर ने दिया। अब बात आती है नंबर चार की बात किया प्रोटोप्लाज्म की सभी बात किया छात्रों तो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दी है। प्रोटोप्लाज्म की हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म थ्योरी मैक्स उलजे ने किसने दी। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी है वो मैक्स उलजे ने दी। किसने दी है नंबर चार की बात की जाए प्रोटोप्लाज्म थ्योरी इज गिवन बाय तो मैक्स उलजे साहब ने ही इनको दी है। कौन सी थ्योरी दी है मैक्स उलजे ने ही प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी है। अब आगे की चर्चा करते हैं नंबर पाँच में आती है जर्म प्लाज्म थ्योरी ऑफ डिजीज। एक तो जर्म प्लाज्म थ्योरी ऑफ डिजीज होती है और सेकंड होती है जर्म प्लाज्म थ्योरी। तो इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि आप किसने दिया है तो ये दिमाग में रखना। जर्म प्लाज्म थ्योरी ऑफ डिजीज की जब बात की जाएगी तो ये दी थी लुईस पाश्चर ने दी थी। किसने दी थी लुईस पाश्चर नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया था आपकी जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी थी जर्म प्लाज्म थ्योरी। नंबर पाँच छः की बात की जाए जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी तो जर्म प्लाज्म थ्योरी डिजीज की बात करेगा तो लुईस पाश्चर आएंगे। जर्म प्लाज्म थ्योरी की बात करेगा तो आपके आएंगे साइंटिस्ट का नाम है बीज में किसने दी थी प्यारे लाडले याद रखना किसने बच्चे दी जो जर्म प्लाज्म थ्योरी है वो दी बीज में है। अब नंबर सात में आती है क्रोमोजोम थ्योरी जिसे हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया या क्रोमोजोम थ्योरी किसने दी तो याद रखना सटर एवं बोवेरी ने दी। किसने दी लाडले सटर एवं बोवेरी नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपकी क्या दी बोवेरी नामक साइंटिस्ट ने क्रोमोजोम थ्योरी दी। समझ में आ रहा होगा तो बातें बड़ा गौर से देखना। आगे की बात किया नेक्स्ट थ्योरी की बात किया नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी थी एक साइंटिस्ट है डार्विन। डार्विन ने क्या किया नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी ठीक है। प्रकृति का सिद्धांतवाद किसने दिया है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी तो वो लिखे डार्विन ने। आगे आती है कि सैंडविच मॉडल किसने दिया। सैंडविच मॉडल की बात की जाए तो ये किसने दिया डेनियल तथा डेविनसन ने। किसने दिया इसकी बात की जाए तुम्हारी नेचुरल थ्योरी की बात की जाए ये किसने दिया है तो आप याद रखेंगे डेनियल तथा डेविनसन नामक जो साइंटिस्ट थे लाडले उन्होंने क्या किया था आपको नेचुरल थ्योरी सिद्धांत दिया था वो सॉरी सैंडविच मॉडल किसने दिया था तो डेनियल एवं डेविनसन ने ही हमारा सैंडविच मॉडल दिया था। इसके बाद आती है तरल मोजेक मॉडल किसने दिया। तरल मोजेक मॉडल की बात की जाए कौन से तरल मोजेक मॉडल की बात की जाएगी लाडलो तो आपको रखना याद निकोलसन तक निकोलसन ने किसने दिया था सिंगर तथा निकोलसन ने दिया था ठीक है। निकोलसन ने दिया था। निकोलसन एक साइंटिस्ट और भी इनके नाम के पीछे आते हैं सिंगर ठीक है। उन दोनों ने मिलकर ही इसको दिया। अब आती है एंटीसेप्टिक सर्जरी मत किसने दिया एंटीसेप्टिक सर्जरी मत की बात की एंटीसेप्टिक थ्योरी की किसने दी या एंटीसेप्टिक सर्जरी किसने दी तो लाडलो याद रखना इसको दी थी जोसेफ लिस्टर ने। किसने दी लाडलो जोसेफ लिस्टर नामक एक साइंटिस्ट थे
जिन्होंने आपको क्या दी थी, एंटीसेप्टिक थ्योरी, एंटीसेप्टिक सर्जरी थ्योरी गिवन बाय जोसेफ लिस्टर। लास्ट बचती है आपकी वन जीन एंड वन एंजाइम, क्या बहुत मोस्ट टू मोस्ट है, कैडेट के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में पूछा जाता है, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, थ्योरी से अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बन जाएगा। इसका सिद्धांत लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, वन जीन एंड वन एंजाइम थ्योरी किसने दी, एक जीन और एक एंजाइम थ्योरी किसने दिया, यह सिद्धांत किसने दिया लाडो, तो याद रखना बीडल एवं टैटन ने। बीडल साइंटिस्ट है आपके, बीडल एवं टैटन नामक साइंटिस्ट है, तो इन्होंने बीडल एवं टैटन, तो साथियों बीडल एवं टैटन ने क्या दी थी आपकी, वन जीन एंड वन एंजाइम थ्योरी। एक बार पुनः फिर दोहराते हैं सारी की सारी थ्योरियां। नंबर एक की बात की जाए लाडले, सेल थ्योरी किसने दी, सेल थ्योरी की बात करेंगे स्लाइडर और स्वान ने दी, डीएनए का डबल हेलिक्स किसने दिया, वाटसन एवं क्रिक ने दिया, लॉक एंड की थ्योरी किसने दी, एमिल्सन ने दी। अच्छा प्रोटोन पास थ्योरी किसने दी, मैक्स कुल्जे ने दी। जलपात थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दी, लुईस पाश्चर। जलपात थ्योरी किसने दी, बीजमैन ने। साथ ही एक चीज याद रखना, जर्म प्लाज थ्योरी ऑफ डिजीज पूछा जाए तो आप उत्तर लगाएंगे लुईस पाश्चर, जब डिजीज शब्द आ जाएगा तो लुईस पाश्चर, अगर सिंगल यही रहेगी जर्म प्लाज थ्योरी किसने दी तो बीजमैन ने। आगे की बात किया क्रोमोजोम थ्योरी किसने दी, सटन एवं बोवेरी ने दी। नेचुरल सेलेक्शन थ्योरी किसने दी, डार्विन ने दी। तीसरा सैंडविच मॉडल किसने दिया, डेनियल तथा डेविडसन ने दिया। और उसके बाद आता थर्मोजेनिक मॉडल किसने दिया, विकोल्सन तथा सिंगर ने दिया। उसके बाद आता एंटीसेप्टिक सर्जरी मत किसने दिया, एंटीसेप्टिक सर्जरी मत दिया जोसेफ लिस्टर ने दिया है। और वन जीन एंड वन